रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। कांग्रेस पार्टी ने आज हमीरपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के पक्ष में डोर टू डोर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज सुबह हमीरपुर के गांधी चौक पर इकट्ठे हुए और दुकान दुकान पर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के पक्ष में वोट मांगते दिखे हैं। इस मौके पर 25 अप्रैल को हमीरपुर में होने वाली नामांकन रैली के लिए भी लोगों को आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने आज हमीरपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के पक्ष में डोर टू डोर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज सुबह हमीरपुर के गांधी चौक पर इकट्ठे हुए और दुकान दुकान पर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के पक्ष में वोट मांगते दिखे हैं और इस मौके पर 25 अप्रैल को हमीरपुर में होने वाली नामांकन रैली के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया। गौरतलब है कि 25 अप्रैल को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इस मौके पर हमीरपुर में एक विशाल रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा के नेतृत्व में ये डोर टू डोर चुनाव प्रचार अभियान शुरू हुआ है। इस मौके पर सुनील शर्मा ने कहा कि भाजपा का कुनबा बिखर चुका है और भाजपा दो फार होने की कगार पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि सुरेश चंदेल जैसे बड़े स्तर के नेता भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के और भी असंतुष्ट नेता उनके संपर्क में हैं और जल्दी ही वे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। इस मौके पर शर्मा ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने झूठ की राजनीति का सहारा लेकर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता को गुमराह किया है, जिसका जवाब इस बार उनको लोकसभा के चुनावों में देना पड़ेगा। बिट्टू जी, कुछ लोग बड़े नेता बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या इससे फर्क पड़ेगा, क्या कहना चाहते हैं? कुल मिलाकर के भाजपा का जो कुनबा है वो बिखर चुका है। भाजपा जो है इस पर दो फाड़ हो चुकी है। भाजपा का नेता और भाजपा के समर्थक घुटन महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस की नीतियों में और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास करके हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आने वाले टाइम में और भी खुलासे होंगे, और भी नेता हमारे संपर्क में हैं। और इस बार जो अनुराग ठाकुर जी ने लोगों को झूठ बोलने की राजनीति करी, अवसरवादिता की राजनीति करी, इस बार हमीरपुर की जनता जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रामलाल ठाकुर जी के पक्ष में वोट डाल करके अनुराग ठाकुर जी को और भाजपा को उसका असली चेहरा दिखाएगी।